नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आपको नई जानकारी देने की और हर रोज लेकर आते हैं हम आपकी समस्या के समाधान। आज फिर कुछ नई जानकारी के साथ रहेंगे हम आप सभी के साथ आपके इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, हमारे देश में केले के पौधे को काफी पवित्र माना जाता है और कई धार्मिक कार्य इसके उपयोग के बिना संभव नहीं होते। कहते हैं कि केले के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है, तो अगर आप केले के पौधे की पूजा नहीं करते तो आज से शुरू कर दीजिए। केले के पौधे के कुछ उपाय आपको दिलाएंगे सुख समृद्धि और शांति, और इस पर विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। चलिए दोस्तों, जो देर किस बात का, पंडित जी से जान लेते हैं केले के पेड़ के बारे में विस्तार से। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कपादृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार भगवान जो विष्णु है परमेश्वर के तीन मुख्य रूपों में से एक रूप है। पुराणों में त्रिमूर्ति विष्णु को, भगवान विष्णु को विश्व का पालनहार माना गया है। ये जो त्रिमूर्ति है, इसके अन्य जो दो भगवान हैं वो भगवान भोलेनाथ शिवशंकर और ब्रह्मा को माना जाता है। जहां भगवान ब्रह्मा को विश्व का सृजन करने वाला माना गया है, वहीं भगवान शिव को संहारक के रूप में माना गया है। भगवान विष्णु की जो पत्नी है वो है माँ लक्ष्मी। भगवान विष्णु का जो निवास है वो है क्षीर सागर। उनकी जो शयन है वो है शेषनाग के ऊपर। भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न होता है जिसमें ब्रह्मा जी स्थित हैं। नीचे वाले बाएं हाथ में पद्म, अपने नीचे वाले दाहिने हाथ में गदा, ऊपर वाले बाएं हाथ में शंख और अपने ऊपर वाले दाहिने हाथ में चक्र सुदर्शन धारण करते हैं। तो जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग के शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है और जो देवताओं के भी ईश्वर हैं और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त है, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगनियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। जय श्री हरि। हमारा दुर्भाग्य तो यह है कि हम मां लक्ष्मी की आराधना करना चाहते हैं। आप देखिए, दीपावली का त्योहार है, बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है, मां लक्ष्मी को आमंत्रित किया जाता है, उसको प्रसन्न करने के लिए कितने ही प्रकार के जतन किए जाते हैं, उपाय किए जाते हैं, लेकिन शायद ही कोई हम में से कोई होगा जो उस दिन भगवान विष्णु की आराधना करेगा। लक्ष्मी सबको चाहिए, लेकिन भगवान विष्णु शायद हर किसी को नहीं चाहिए। मेरा ये मानना है दोस्तों, आज से, ये तभी तो होलास्टक चल रहा है, जैसे होलास्टक खत्म हो उसके बाद रोज आप नियम बांध दीजिए। एक तो घर में सालिग्राम ला के रख दीजिए। सालिग्राम जो है वो विष्णु का प्रतीक माने जाते हैं। और नियम बांध लीजिए कि रोज भगवान विष्णु की आराधना करनी है। यदि आप भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लेंगे तो माँ लक्ष्मी तो आपके जीवन में वैसे ही प्रवेश कर जाएगी। हमारे देश में पेड़ पौधे संस्कृति और पौराणिक कथाओं से रचे बसे हैं। हर पेड़ का अपना एक महत्व है। कुछ जो पौधे हैं जहाँ औषधीय महत्व रखते हैं, तो कुछ आध्यात्मिक और कुछ का पौराणिक महत्व है। यही हिंदुस्तान की कल्चर है। यहाँ पेड़ पौधों में भी भगवान को देखा जाता है। आंवला प्रत्यक्ष रूप में भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। पीपल भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। तुलसी माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तो ये हमारी आस्था है, ये हमारा विश्वास है।
शास्त्रों में भी बताया गया है, पेड़ पौधों का जो इम्पोर्टेंस है वो शास्त्रों में भी बताई गई है। ऐसा ही एक सुंदर सा पौधा है, केले का पौधा, जिसे हिंदू धर्म में काफी पवित्र माना गया है और कई धार्मिक कार्यों में केले के पौधे का उपयोग किया जाता है, पत्तों का उपयोग किया जाता है। केले के पौधे में, उसकी जड़ में साक्षात भगवान विष्णु का, हरि का वास माना गया है। भगवत पूजा में इसका उपयोग करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। पंडित जी, केले के पौधे का महत्व तो आपने बता दिया, लेकिन पीपल और बरगद का जो पौधा होता है उसका क्या महत्व माना जाता है और क्या इन्हें घर में भी लगाया जा सकता है, ये जानना चाहेंगे हम आपसे। हमारे हिंदू शास्त्र में, भारतीय परंपरा में पीपल, बर्ब यानी बरगद, तुलसी, केले, इन सब की विशेष महत्वता बताई गई है। पीपल, बरगद और केले के पौधे को या वृक्ष को तो विष्णु रूप माना गया है और हर धार्मिक कार्य में आप देखें तो इनका प्रयोग दिखाई देता है। पीपल का और बर्ब के वृक्ष को और केलों को जो है पदार्थों की श्रेणी में रखा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि मैं वृक्षों में पीपल हूं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो आप बताइए, जब भगवान ने यह कह दिया कि मैं ही पीपल हूं, तो क्या फिर पीपल अशुभ हो गया? क्या उसकी पूजा करना अशुभ हो गया? पीपल, आम, बड़, गुलर और पाकड़ के पत्तों को ही पंच पल्लव के नाम से जाना जाता है और किसी भी शुभ कार्य में इन पत्तों को कलश में स्थापित करते हैं, पंच पल्लव। घर में यदि पूर्व में पीपल हो, पश्चिम में बड़ हो, उत्तर में गुलर हो और दक्षिण में पाकड़ लगाया जाए तो निश्चित तौर पर चारों दिशाओं से उस घर की जो रक्षा है वो भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु स्वयं करते हैं। ये जरूर है कि इन पौधों को, इन वृक्षों को घर से इतनी दूर लगाना चाहिए कि दिन के दूसरे प्रहर में इनकी छाया घर पर ना पड़े, ये बहुत जरूरी है। दूसरे प्रहर का अभिप्राय जो हुआ प्रातः 9 बजे के बाद से है। घर के अंदर दूध और कांटेदार वाले जो दूध जिनमें से निकलता है व्हाइट जैसा, और कांटेदार जो वृक्ष हैं वो घर में कभी नहीं लगाने चाहिए। दूध वाले वृक्षों से उनको भी नहीं लगाना चाहिए, उनसे धन हानि होती है। फल वाले वृक्षों से संतति क्षय और कांटेदार वृक्षों से शत्रु भय होता है। इन वृक्षों की लकड़ी भी घर में शुभ नहीं मानी जाती है। घर के आंगन में इन जो मैंने पौधे बताए हैं, इनके अलावा आप तुलसी, अशोक, चंपा, चमेली, गुलाब एवं केला भी लगा सकते हैं। कहते हैं कि पीपल घर में नहीं लगाना चाहिए। मैं आपको, जैसे मैंने आपको कहा कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं वृक्षों में पीपल हूं, आप पौधा लगाइए, उसको पेड़ मत बनने दीजिए, वृक्ष मत बनने दीजिए। जब आपको लगता है कि अब ये बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है तब आप उसको आप मंदिर में लगा सकते हैं। जी, केले के पौधे से जुड़े कुछ उपाय भी जानना चाहेंगे हम आपसे। आपने ये तो बता दिया कि केले, पीपल और ये जो पौधे होते हैं ना, घर में भी लगाया जा सकता है, इसके बाद उपाय जानना चाहेंगे आपसे। आइए जानते हैं केले के पौधे से जुड़े कुछ सरल किंतु खास उपाय। नोट करते जाइएगा, मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। कोशिश तो हमेशा यही करता हूँ कि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी मिल सके और जिसका आप सब लोग लाभ उठाएं। तो गुरुवार के दिन यानी थर्सडे के दिन केले के पौधे के समक्ष बैठकर या देवालय में केले के पत्तों के बीच एक चौकी के ऊपर, एक बाजोट के ऊपर पीला वस्त्र बिछा दीजिए। हल्दी से रंगे चावल, हरिद्रा से रंगे जो अक्षत है चावल, उससे कमल का पुष्प बना दीजिए या नवग्रह बना दीजिए या ढेरी कर दीजिए। उस ढेरी के ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित कर दीजिए, बृहस्पति स्वरूप या बृहस्पति या भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित कर दीजिए। पीली गाय के दूध से बृहस्पति भगवान और भगवान विष्णु को स्नान करवाइए, पंचामृत बना के उससे स्नान करवाइए, षोडश उपचार पूजा करिए उनकी। पीले पुष्प, पीला चंदन, गुड़, चने की दाल, पीले वस्त्र दोनों देवताओं को अर्पण करें।
भगवान विष्णु को, भगवान ब्रह्मा को। भोग में पीले पकवान या पीले फल अर्पण करें। पूजा के पश्चात गुरु मंत्रों के स्मरण के साथ विष्णु मंत्र ओम विष्णवे नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः का ध्यान करें। विवाह धन सुख की कामना करें। अंत में बृहस्पति भगवान की, भगवान विष्णु की आरती शुद्ध देशी घी के दीपक से करें। हमारी जो दर्शक जिनके घर में बेटियां हैं और बिल्कुल शादी की उम्र तक पहुंच गई हैं, विवाह में अड़चने आ रही हैं होलाष्टक के बाद में, चैत्र मास से आप केले की पौधे की पूजा का नियम लीजिए, भगवान विष्णु की पूजा का नियम लीजिए। देखिए कैसे भगवान विष्णु के समान सुंदर सुयोग्य जीवन साथी आपको प्राप्त होता है। चिंता मत कीजिए, बेटियां तो अपना भाग लिखा के आती हैं। बहुत से माता पिता है संपर्क करते हैं कि गुरुजी गुड़िया की शादी नहीं हो रही, बहुत परेशान है। देखिए कैसा रिश्ता है पिता और पुत्री का। छोटी सी बच्ची धीरे 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 एक पौधे के समान बढ़ती चली जाती है, उसकी शिक्षा करवाई जाती है, उच्च संस्कार दिए जाते हैं और फिर एक दिन आता है कि उसे एक दूसरे परिवार को सुपुर्द कर दिया जाता है, विवाह कर दिया जाता है उसका। और एक दिन यह भी आता है कि बेटे तो माँ बाप को छोड़ देते हैं लेकिन जो बच्चियां हैं वो अपने पिता की सेवा करती हैं। तो केले की पवित्रता का अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पुराने समय में इसके तने से निकले जो पानी है उससे उपवास के लिए पापड़ इत्यादि भी बनाए जाते थे। तो कई बार पति पत्नी के बीच किसी भी बात को लेकर जो विवाद उत्पन्न हो जाता है, जो कभी भी कलह का रूप ले लेता है, परिवार में अशांति का कारण बनने लगता है, ऐसे पति पत्नी के बीच मधुर और प्रेमपूर्ण संबंधों के लिए आज मैं आपको एक सरल सा उपाय बता रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। इसके माध्यम से पति पत्नी के मध्य कटुता कम होकर प्रेम का संचार हो जाता है। यदि पति अपनी पत्नी को अधिक समय नहीं दे पाता अथवा कोई अन्य कारण हो जिससे वह अपनी पत्नी से कम प्रेम करता हो, तो उसके लिए ये उपाय उस महिला को करना चाहिए। क्या करना उपाय समझ लिए। पहले केले का पूजन करना है, देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति की सेवा आराधना करनी है। फिर मैं आपको ब्रेक के बाद में फिर वापस आपको उपाय पूरा बताता हूँ। चलिए दर्शकों, यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में।